ये देखो ये सब अरावली की श्रृंखला है जी। अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला है जी। उसी श्रृंखला के मध्य में स्थित ये रेवा साहब मठ है और ये वो स्थान है जिस स्थान से इस मठ की स्थापना हुई है। अच्छा हाँ, यहाँ पर ही अग्र देवाचार्य जी महाराज यहीं से प्रकट हुए हैं। वो क्या मानसी सेवा करते थे, मानसी सेवा देखो जो जानकी जी जो थी ना, जानकी जी की प्रधान सखी है चंद्रकला, उनके अवतार उनको माना जाता है ठीक है। और मतलब जैसे ठाकुर जी का आदेश रहा कि भाई आपको जो है सख्य रस की प्रधानता में आपको पुनः अवतार लेना है, तो वो अग्र देवाचार्य जी महाराज के रूप में अवतार लिए और यहाँ पर अवतार लेकर के इस रेवासा मठ के अंदर ठीक है, यहाँ रेवासा पीठ पर आकर के उन्होंने इस मठ की स्थापना करी और यहाँ से जो है सख्य भाव को उन्होंने विस्तार किया ठीक है। तो मानसी सेवा किया करते थे यहाँ पर, तो अकबर और राजा मान सिंह जो है यहाँ आकर के भी उनकी महिमा के सामने नतमस्तक हुआ करते थे, उनका धुना भी है, ये स्थान है। अच्छा, और प्राचीन काल की बात है भाई, यहीं पे इसी स्थान पर रहते थे, आज हम उस चीज को सुरक्षित रखे हुए हैं ठीक है। अच्छा। तो अग्र देवाचार्य जी महाराज जो थे केवल अपना नित्य क्रिया से निवृत्त और तपस्या में भजन में केवल इतना ही। तो यहाँ क्या है कि यहाँ नमक की झीलें हैं, तो आपको एक उनका चमत्कार दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ जो काफी प्रसंग रहे, एक छोटा सा प्रसंग बताता हूँ। तो अग्र देवाचार्य जी महाराज जो थे यहाँ भजन में मस्त थे ठीक है। हुआ क्या कि भाई गांव के लोग त्राहिमाम करते आए कि भाई यहाँ तो क्या केवल खारा पानी है, पीने के लिए मीठा पानी नहीं है, खारा पानी है। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या नाम है कि हम पूरे गांव के लोग बड़े परेशान हैं इस खारे पानी से, हमने आपके चमत्कार के विषय में सुना है, तो आप ही कुछ उद्धार करिए। तो उन्होंने अपने चिमटे से, ये जो सामने कुआं दिख रहा है ना, अपने चिमटे से जमीन में धसाया तो गंगा के समान निर्मल धारा प्रस्फुटित हुई और वो गंगा के समान जो ये मीठा, बिल्कुल मीठा पानी का कुआं आज केवल इसी यही कुआं है इस गांव के अंदर, मीठे पानी का। ऐसे मंदिर में 7 कुएं हैं लेकिन सबसे मीठा पानी का कुआं यही है जी। और 7 कुएं और 7 चौक से निर्मित है ये स्थान। अच्छा, प्राचीन काल से। तो इस केवल इस कुएं का जो है मीठा पानी, इस गांव में वैसे मीठा पानी नहीं है, फिर इसके सिद्ध में लेकर के अपूर्ण बोरिंग हुई तो उसमें से भी मीठा पानी, वो भी भगवत प्रेरणा से निकला है। ये कम से कम भी 500-600 साल पुराना वृक्ष है, इतना लंबा पुराना वृक्ष रहता नहीं है लेकिन 500-600 साल पुराना, आज भी इसके जैसे ये फूल लगे हुए ना ऐसे रुद्राक्ष बनेगा और रुद्राक्ष गिरेगा। हाँ, अब जैसे ये छोटे वाले आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे दिखेगा हमारे बच्चे जो लोग हैं ना गुरुकुल के, वो उठा उठा के ले जाते हैं। अच्छा। ले जाते हैं, खेलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हाँ, ये जो फूल है ना यही बनेगा रुद्राक्ष। अच्छा, फूल से रुद्राक्ष निकलेगा। हाँ, राजेंद्र दास जी भी अपनी कथा के अंदर जो है ना उस प्रसंग को उद्धृत करते हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, वर्तमान जो महाराज जी है ना जी। वो तो नित्य भगवान के होने का अनुभव करते ही हैं ठीक है। और लेकिन उनके एक जो मित्र थे जी, सखा थे बचपन के, राजेंद्र दास जी के। हाँ, राजेंद्र दास जी के और अपने महाराज जी के ठीक है। वो सखा यहाँ पर आए थे रेवासा मठ में कुछ पुस्तक को लिखने के लिए, तो कि एकांत स्थल है ना ये, तो यहाँ पर ही अपना रह करके ऊपर रह करके और किताब का पुस्तक का जो है इत्यादि किया करते थे ठीक है। तो रात्रि में उनको क्या हुआ कि जानकी जी के होने का अनुभव होता। अच्छा। हाँ, और उनकी जो पायल थी वो छम 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 ऐसे सुरम्य जो है उनको श्रवण करने को मिलती। तो एक दिन उनके मुख से ये निकल गया, महाराज जी को ये बोल दिया उन्होंने कि महाराज जी लगता है यहाँ पे कोई चुड़ैल रहती है। महाराज जी ने तुरंत उनके मुख के ऊपर हाथ रखा कि प्रभु ये आपने क्या कहा कि आप तो बड़े भाग्यशाली है जो जानकी जी के आपके होने का मतलब उन्होंने प्रमाण प्रदान किया और आपने ये क्या मुख से, अब आपको आज के बाद दर्शन नहीं होंगे। बहुत रोए वो और बहुत उन्होंने यहाँ पर रह करके काफी प्रयास किया कि मुझे अब तो कैसे भी दर्शन हो जाए, कैसे भी उनका अनुभव हो जाए। एक दिन भी उनको अनुभव नहीं हुआ, फिर बड़ा पश्चाताप किए, खूब विलाप किए और अब तो उनका जो है भगवान की कृपा से जानकी जी में ही उनका शरीर विलीन हो गया। ये है जानकी रसोई। और इस जानकीनाथ वेद विद्यालय की जो ये रेवासा मठ है, इस मठ की जो ये रसोई है यहाँ पर प्रतिदिन 200-250 लोग जो है भोजन करते हैं, प्रतिदिन यानी एक समय में। तो आप एक दिन का मानिए कम से कम 500-700 लोग भोजन का यहाँ पर निर्माण होता है। ये वो चूल्हा है जो प्राचीन काल से उसी पद्धति से इसकी अग्नि कभी भी आज तक शांत नहीं हुई है। 500 साल हो गए ये अग्नि ऐसी की ऐसी रहती है, लकड़ियां डाल लेते हैं इसी पे, भोजन वगैरह जो सब पकता है वो इसी पे पकता है। बाकी आजकल तो जैसे गैस वगैरह भी हो गई उन पे होता है, ऐसे ही मंदिर में कुआं है
ठीक है। और ये जो गंगा जल है, ये ऊपर जो टंकियों में है ना, केवल गंगा जल है, उसी गंगा जल से ही यहाँ का प्रसाद पूरा तैयार होता है। गंगा जल से ठाकुर जी का पूरा प्रसाद तैयार होता है। दर्शन करो आप, पूरा प्राचीन उसी 500-600 साल पुरानी ये रसोई है जानकी जी की। और यहाँ का चमत्कार ये देखो कि यहाँ पे भोजन चाहे करने के लिए एक व्यक्ति आए और चाहे भोजन करने के लिए 500 व्यक्ति आए, कभी भी खाने की ठाकुर जी कृपा से कमी नहीं रहती। अन्नपूर्णा की सिद्धि है इस रसोई के अंदर, जो कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ती। ठाकुर जी की ये बड़ी दिव्य कृपा है यहाँ पे। ऐसा ही प्रसंग में बताता हूँ, मानसिंह जी जो दोनों थे ना, राजा मानसिंह, उनकी सेना आई थी यहाँ पे, तो 10,000 सेना लेकर के वो यहाँ आ गए। अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने केवल 3 केले दिए उनको कि ये लो और बांट दो। गुरु की आज्ञा को ग्रहण करके उन्होंने वो केले सब में वितरित करना चालू किए और सबको 3-3 केले बांट दिए, पर फिर भी उनके हाथों में 3 केले थे, उनकी झोली के अंदर 3 केले थे। तो ऐसा दिव्य आशीर्वाद है यहाँ अन्नपूर्णा का, ठीक है, जो संतों की सेवा, भटकों की सेवा, आए हुए भक्तों की सेवा यहाँ निरंतर होती रहती है। ये सब भंडारी लोग है, ये जो आप पीछे दर्शन कर रहे हो ना, ये सब लोग। जय श्री राम। अभी हम लोग जा रहे हैं श्री जानकीनाथ वेद विद्यालय में, ठीक है, जानकीनाथ वेद विद्यालय में। इस परिसर में महाराज जी, गुरुजी महाराज जी के द्वारा एक गुरुकुल यहाँ संचालित है, अग्रदेवाचार्य जी। हाँ, उन्हीं के परंपरा के जो रहे अभी वर्तमान पीठाधीश्वर जो है ना, डॉक्टर स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज, उनके द्वारा संचालित ये गुरुकुल है, ठीक है। इस ये गुरुकुल शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से चलता है, ठीक है। और 100 विद्यार्थी अभी वर्तमान में यहाँ पर है। सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, तीनों वेदों का यहाँ सस्वर अध्ययन होता है। जैसे आप सुने होंगे कि प्राचीन काल के अंदर ऋषि मुनियों के पास में ऐसे शिष्य लोग बैठते थे और उनका अध्ययन होता था, सेम वैसे ही परंपरा यहाँ है। वैसे ही उसी प्राचीन परंपरा के माध्यम से ही यहाँ के जो गुरुकुल के जो आचार्य हैं वो लोग जो है बच्चों को तैयार करते हैं सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, ठीक है। सस्वर उनको पूरा पूरा तैयार करवाया जाता है, अपने शिष्यों को लेकर के बैठे हुए हैं। अब एक बढ़िया सी ऋचा सुनाओ आप, अच्छी सी सुंदर सी ऋचा है ना ऋग्वेद की, ठीक है। ठीक है ना, वो जिस लक्षणों से सुशोभित है वो लक्षण सारे इनके अंदर विद्यमान है, ठीक है। देशी गाय की जो नस्ल होती है ना, वो पूरी वेद लक्षणा गौ माता की वो नस्ल है। क्या कृपा है ठाकुर जी की, गौमूत्र के दिव्य दर्शन हो गए। और ऐसे सारी गायों के लिए यहाँ पर इस पीठ के अंदर ऐसी सुव्यवस्थित अच्छी व्यवस्था की गई है, ठीक है। इनके रहने की, खाने की, पीने की, एक पूरा परिवार यहाँ रहता है, वो इनकी पूरी देखभाल दिन भर करता रहता है, ठीक है। इन गायों की साफ सफाई की, इनकी रहने की उत्तम व्यवस्था, इनके भोजन का प्रतिदिन, इनको हरा चारा, ठीक है, पूरी इनकी बहुत दिव्य तरीके से, क्योंकि महाराज श्री का आदेश है, तो उसी प्रकार से देखो ये इनके लिए, गाय के लिए सब कुछ तैयार है। आओ, छोटे छोटे आपको बछड़ों से ही मिलाते हैं। ये सब वेद लक्षणा गौ माताएं हैं, सुंदर सुंदर। प्यारी, कितने दिन की है? अभी ज्यादा समय नहीं हुआ इनको, ये देखो। आ जाओ। यहाँ पर पांडुलिपियां भी विद्यमान है,
जैसे प्राचीन काल में ऋषि मुनि जो लिखते थे ना ताम्रपत्र पर ऐसे इत्यादि पर लिखते थे, वो आज भी विद्यमान है, वो मंत्र वगैरह, वो श्लोक वगैरह। और सबसे अच्छी बात बताएं, अभी राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, जो निर्णय हुआ है राम भद्राचार्य जी ने, जो यहाँ पर जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, तो रेवासा पीठ से एक कार्टून भर के पुस्तकें मैंने स्वयं ने भेजी है। अरे वाह। यहाँ से जो प्रमाण की पुस्तकें थी ना, वो हमने यहाँ से भेजी है, और फिर उनके पास में भी जो थी वो सबका प्रमाण बना करके उन्होंने जो विद्यमान किया है। और राम भद्राचार्य जी जो है, रेवासा महाराज जी जो है ना, राघवाचार्य जी महाराज जो है, उनके बहुत अच्छे मित्र है, उनको अपना आपस में जो है गुरु भाई बोलते हैं एक दूसरे को। अच्छा। तो वो पुस्तकें हैं यहाँ पर सारी, देखो हर विषय विद्यमान है। जैसे यहाँ पर इसमें आपको सारे उपनिषद है ना, ये जो है इसमें सारे वेद है, ठीक है, अपने देखो जितने भी वेद है, देखो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनकी शाखाएं, ठीक है, शतपथ, ब्राह्मण इत्यादि सब कुछ यहाँ उपनिषद आ गए, यहाँ पर सारे वेदांग आ गए, जितने भी वेदांग है, ठीक है, ऐसे ही आगे सब कुछ वर्णन है इनके अंदर। ये आयुर्वेद का पूरा, आयुर्वेद ठीक है, जितना आयुर्वेद, हाँ, जैसे बड़े बड़े आयुर्वेद के अंदर बड़े बड़े संत हुए, चरक के, चरक को देख लो, है ना, ये षड दर्शन है हमारे, ठीक है, हाँ, ये पुराण, जितने भी पुराण है हमारे, है ना। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सारे आगे संक्षिप्त भविष्य पुराण, पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, सारे के सारे पुराण आ गए, जितने भी पुराण है सब पुराणों को यहाँ पर, हाँ, भागवत पुराण का है सब, भागवत जी भी, हाँ, है यहाँ पे, श्रीमद् भागवत महापुराण टीका है ये, तो ये श्रीधरी वंशीधरी टीका है ना, द्वयो दो आचार्य हुए हमारे, जैसे वर्तमान में जो हम टीका पढ़ते हैं ना, वो श्रीधरी टीका है, श्रीधर जी की जो टीका है वो बड़ी विख्यात टीका है, ये सब भागवत महापुराण इत्यादि पुस्तकें आ गई, ये रामानंद संप्रदाय जो है, उस संप्रदाय का पूरा, पूरी पुस्तकें आ गई इसके अंदर, आनंद भाष्य इत्यादि है, स्मृति ग्रंथ इत्यादि है ना, श्री राम तपोप नियोपनिषद जो है वो है, हाँ, रामानंद संप्रदाय की सारी आ गई पुस्तकें। ऐसे ही जितने भी और देखो या आध्यात्मिक व धार्मिक जितनी भी है ना, काशी की पांडित्य परंपरा, आप लोग जितनी भी पुस्तकें हैं हमारे सनातन धर्म की, जो भी चीजें हैं वो सब यहाँ आपको विद्यमान मिलेगी, बहुत सबका संकलन है यहाँ पे। ऐसा प्राचीन पुस्तकालय एक और भी है, ठीक है, अभी इसको नए में हम जितनी, अब ये कल्याण की जितने भी अंक है आज तक के सारे अंकों को भी यहाँ पर हमने सुरक्षित रखा है, कल्याण के अंक। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब पांडुलिपियां हैं, क्या है, ये सब पांडुलिपियां हैं, हाँ, ये सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद के बच्चे हैं, लेकिन अभी ये आए ही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल। अक्सर हमारे बड़े हमें कहते हैं, आपके दोस्त कौन हैं, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। आप लोग गुरुकुल में हैं, आपको अच्छी संगत मिली हुई है, अच्छे गुरु मिले हुए हैं, इसे सत्संग कहते हैं। अगर आप गलत दोस्तों के साथ होते तो उसे कुसंग कहते हैं। राजा व्रीहिध्वज दुर्योधन की कुसंग में फंसे हुए थे, इसी वह महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु द्वारा मारे गए। तभी तो मैं कहता हूँ कि अच्छे लोगों के संग में रहिए, भक्तों के संग में रहिए। राधे राधे, राधे।